वेलकम फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 का 1.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट और एग्जांपल के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा और 1.3 से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल है वो बताए जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले भी हमने इस टॉपिक पे यानी इस चैप्टर पे जो चैप्टर नंबर 1 पर और भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने आई बटन पे भी यहाँ पे दे दिया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो पे आकर के इसे देख सकते हैं। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं यहां पर कि इस 1.3 को समझने के लिए जो है आपको कुछ कॉन्सेप्ट यानी बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है। इस चैप्टर में जो है आपको सवाल जब भी मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इसी कैटेगरी का देखने को मिलेगा। हो सकता है यहां पर कि जैसे यहां पर लिखा हुआ है √3, इसके जगह पर कोई और भी अंक दे दे, उसकी मर्जी है। या फिर पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने उदाहरण नंबर 9 लिया है यहां पर। तो चलिए, पहले सबसे पहले समझते हैं इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, करना क्या है समझिए। यहां पे जो है अभी यहां पे सिंगल वर्ड है यानी सिंगल लेटर है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द है, तो करना कुछ नहीं है। हो सकता है वो सवाल में कभी कभी इस तरह भी दे दे, 2+√3 इस तरह से भी दे दे, या हो सकता है कि 3-√5 भी इस तरह से भी दे दे, या इस तरह से भी दे दे कि भाई 2√6 इस तरह से भी दे दे। उसकी अपनी मर्जी है कि चाहे कोई भी सवाल जोर में रहे, घटा में रहे, गुणा में रहे या भाग में रहे, किसी भी स्थिति में हो, हमको उससे मतलब नहीं है। ध्यान देना है कि हमको उससे मतलब नहीं है। एक चीज और इस पर ध्यान देना है कि कोई भी परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है तो उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और ध्यान रहे कि यहाँ पे जो है q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या जो है, कोई भी परिमेय संख्या हो, उसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा चीज ये है कि अगर कोई भी अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, तो उसे भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो शर्त होता है वो होता है क्यों जो है वो 0 के बराबर होता है। तो हमको इस दोनों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और तीसरी जो बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहला तो हमने ये बताया कि कोई भी सवाल प्लस माइनस जोड़ घटा गुणा भाग में रहे या सिंगल इस तरह से रहे, हमको उससे मतलब नहीं, उस पर ध्यान नहीं जाना चाहिए। दूसरा ये कि अगर कोई परिमेय संख्या अगर मान रहे हैं तो उसे p/q के रूप में भी लिखना पड़ेगा। तीसरा ये कि जब तीसरा क्या होगा कंडीशन में, देखिए ध्यान से कि आपको पता होगा कि कुछ कॉन्सेप्ट कुछ लॉजिक है कि किसी भी परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय ही आता है। यानी अगर परिमेय को गुणा करते हैं अपरिमेय से तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। इस चीज पे ध्यान देना है और इस कॉन्सेप्ट पर अगर आप चलते हैं तो आपका ये जो सवाल है वो इजीली वे में बन जाएगा। चौथा काम क्या करना है कि चौथा काम के तौर पे ये काम करना है कि जो भी संख्याएं दी हुई रहेंगी, चाहे जोर में रहे, घटा में रहे, गुणा में रहे, भाग में रहे, जिस भी हालत में दिया हुआ रहेगा, तो उसे सबसे पहले होता है कि जबरदस्ती यानी संभव है तो उसे परिमेय मानना है। पहला काम ये करना था, है ना। तो क्या करना है कि कोई भी संख्या हो, जोर घटा गुणा भाग में हो, तो उसको क्या मानना है? परिमेय मानना है। और जब आप परिमेय मान लेंगे तो उसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे p/q के रूप में लिखेंगे तो तब आपको ये शर्त याद होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय को गुणा करते हैं तो उसका रिजल्ट अपरिमेय होता है। तो दोस्तों, कि बेसिकली जो है यहाँ पर जो है आपको ये बताया गया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तब क्या करते हैं कि उदाहरण से जो है हम लोग थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तब जाकर के आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पर तो ध्यान से देखिए कि उदाहरण नंबर जो 9 है वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और अभी हमने पहले ही बताया है वीडियो में कि सवाल जोड़ घटा गुणा भाग में किसी में उसमें को मतलब नहीं है। या फिर जो भी सवाल दिया होगा उससे सबसे पहले परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे? परिमेय। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर जब मान लेते हैं कि माना कि √3 अगर अपरिमेय बोलेगा तो आपको इसका अपोजिट परिमेय मानना है। ये माना कि √3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने क्या माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। और बाकी सब सवाल में आप ये भी देखेंगे कि कैसा, ऐसे भी टीचर हैं जहां पे लिख देते हैं कि माना कि
यदि संभव है तो माना कि रूट थ्री परिमेय संख्या है। संभव शब्द लगा सकता था, आपकी मर्जी है, वो भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। तो हमने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। और आपको पता है कि जब भी परिमेय संख्या किसी को मानते हैं तो उसे किस रूप में लिखा जाता है बताइए, जब भी परिमेय माना जाता है तो रूट थ्री को इसको परिमेय माने तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बटा क्यू, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए कि यहां पर नहीं कुछ तो नीचे में एक तो होगा है ना, फिर क्या करता है आप इसमें कोना कोनी गुना करते हैं, यानी रूट थ्री गुना क्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले इधर से देखिए एक गुना पी करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे पी बराबर, और क्यू गुना रूट थ्री करेंगे तो क्या होगा, रूट थ्री क्यू होगा। यही पे काम को समझना है। हमने पहले क्या बताया था कि जो भी सवाल होगा उसे मान लेना परिमेय, और फिर उसको बटा पी बटा क्यू में लिख देना है, फिर गुना करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसी को देखना है। चौथा हमने ये बताया था कि देखना है कि इसमें कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। आपको पता है कि ये क्या है, अपरिमेय है, यहाँ तो माने है ना जबरदस्ती, लेकिन वास्तव में ये क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पी बटा क्यू के रूप में लिखे हैं। तो यहाँ पे उस दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, तो यही बात को लिखना है, क्या लिखना है, यही बात को लिखना है। तो लिखना है कि चूंकि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। हमने क्या लिखा कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए वही चीज है कि हम रूट थ्री अपरिमेय है, ये परिमेय है, दोनों जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, अपरिमेय होगा, और आपने क्या माना है जबरदस्ती परिमेय, यानी आपका मानना क्या हो गया यहाँ पर गलत हो गया। तो आप लिखिए इसलिए अतः मेरा मानना गलत है कि रूट थ्री परिमेय संख्या है, इसलिए रूट थ्री क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस इतना चीज लिखना है और सवाल आपका यहाँ पे क्या हो गया, साबित हो गया, प्रूफ हो गया। यहाँ पे हमेशा सबसे पहले क्या करना है कि हमेशा इसी जगह पे ये शब्द को लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये शब्द नहीं लिखेंगे तब तक जो है ये सवाल क्लियर नहीं होगा। आई होप दोस्तों की ये चीज आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही होगी। चलिए हम लोग बढ़ते उदाहरण नंबर 10 की ओर। दोस्तों उदाहरण नंबर 10 को देख सकते हैं, कह रहा है कि सीधे कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए सवाल किस में आ गया भाई, माइनस में आ गया, करना कुछ नहीं है, बस जबरदस्ती इसको मानिए कि भाई यहाँ पर परिमेय अपरिमेय पूछ रहा है तो आप परिमेय मानिए। चलिए लिखते हैं यहाँ पर कि माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, यदि संभव है तो, ये भी लिख दीजिए नहीं तो फिर बोलेंगे कि भाई सवाल में ये शब्द कहाँ है। यदि संभव है तो माना कि √5 - √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आपको पता है कि जब परिमेय मानते हैं तो उसे किस रूप में लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं पी बटा क्यू के रूप में, क्योंकि परिमेय को लिखा जा सकता है पी बटा क्यू के रूप में। यहाँ पे नहीं कुछ तो क्या है, एक है, कोना कोनी गुना कीजिए तो एक गुना पी, ऐसे गुना कीजिए, एक गुना पी तो कितना होगा यहाँ पर पी होगा, और क्यू गुना जब इतना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे क्यू इंटू में 5 - √3, वो इस तरह से होगा। यहां तक दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है ये क्या है भाई, तो अपरिमेय है, ये क्या है, परिमेय है, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, और आपको कंडीशन पता है कि कभी भी जो है परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो है वो परिमेय नहीं होता है। तो यही सब लिखना है कि चूंकि परिमेय तथा अपरिमेय का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है
तो यानी ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, इस दोनों गुणनफल भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, आपस में दोनों बराबर नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी जो है वो कभी बराबर नहीं होगा क्यू इंटू 5 - √3 के। तो अतः क्या हो गया, आपका मानना क्या हो गया, यहाँ पे लिखिए अतः मेरा मानना गलत है कि, मेरा मानना गलत है कि 5 - √3 परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या माने थे अब गलत हो गया, तब क्या होगा, इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, और ये सवाल बनके क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन ध्यान रखिए इस शब्द को आपको लिखना हमेशा पड़ेगा ही पड़ेगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 11 की ओर। दोस्तों उदाहरण नंबर 11 को देख सकते हैं, इसमें भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। तो हर सवाल की तरह इस सवाल को भी देखिए उसी तरह से काम करना है। चलिए हम लिखते हैं, सबसे पहले तो क्या लिखते हैं हम लोग, यदि संभव है तो, यदि संभव है तो माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, तो परिमेय संख्या है, यहां तक दिक्कत नहीं है। जब ये इसे परिमेय माने हैं तो इसे परिमेय के रूप में भी लिखना भी पड़ता है, यानी आप लिख सकते हैं कि √3 यानी 3√2 जो है उसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे नहीं, कुछ तो नीचे में एक तो होगा, और कोना कोनी क्या करना है, गुना करना है, तो पी गुना एक गुना पी, तो पी और क्यू गुना, जब इतना करेंगे तो यह हो जाएगा 3√2 इंटू में हो जाएगा यहाँ पे क्यू। इसी चीज को समझना है यहाँ पर, और ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये जो है आपको पहले ही पता है कि ये अपरिमेय है, माने हम लोग परिमेय है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है, और ये क्या है, परिमेय है, तो दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसी शब्द को यहाँ पे लिखना है, लिखिए चूंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव अपरिमेय होता है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जब अपरिमेय होता है तो यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा, तो यानी इतना बराबर 3√2 × में क्यों, ये बराबर नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो आपका मानना क्या हो गया, पर गलत हो गया। जब लिख दीजिए जाता है मेरा मानना गलत है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो दोस्तों ये कुछ चीज जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी, कोई सा भी क्वेश्चन हो जोड़ घटा गुणा भाग में आप हमेशा इसी विधि को लेके चलना, क्योंकि ये जो विधि है वो सबसे आसान भी है और इजी भी है, आसानी से समझ में भी आ जाएगा, और एग्जाम अगर बना करके आते हैं तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इतना शॉर्ट बनाएंगे तो नंबर्स नहीं मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे वहां पे, है ना। तो दोस्तों क्या करते हैं कि अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी एक्सरसाइज 1.3 का टोटल क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।